अच्छा, तो एक्सरसाइज 20.7 का क्वेश्चन नंबर 1 आप बता रहे हैं, 2x, ठीक है, यहाँ से लिख लेते हैं, 2x - y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, और सेकंड इक्वेशन है x² + y² इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 है, और हमसे कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन या सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब साफ है कि भाई हमें एक्स और वाई की यहाँ पे वैल्यूज गेट करके लानी है, ठीक है, तो किस तरीके से गेट करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले तो आप वो इक्वेशन कंसिडर करें जो आपको ज्यादा ईजी लग रही है ना, तो इक्वेशन नंबर 1 आई गेस ज्यादा ईजी है हमारे लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे लेके चले जाए तो ज़्यादा बेहतर है, सही है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2x को वहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो देखिए ये हो जाएगा -y = 3 - 2x, ठीक है, दोनों तरफ अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 × -y और -1 × 3 - 2x, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा वाई और ये हो जाएगी वैल्यू, माइनस का 2x है तो प्लस का 2x और 3 माइनस में आ जाएगा, सही है, तो ये हमारे पास एक तरीका है, इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का, आप चाहे तो आप एक्स को भी उस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, सही है, अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 आई है स्टूडेंट्स, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है, जिस इक्वेशन को अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया, याद रखिएगा ये हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करके ला रहे हैं तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, अगर आप इक्वेशन 2 को सॉल्व करके इक्वेशन 3 बनाते तो 1 के अंदर पुट कर देते, सही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2, तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास x² + y² है, तो y की जगह स्टूडेंट हमें 2x - 3 लिखना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x - 3 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर था, माइनस नहीं सॉरी इक्वल्स टू है ना, इक्वेशन नंबर 2 में फिर इक्वल्स टू आ रहा है, इक्वल्स टू के बाद है 2, सही है, आई गेस यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को बात क्लियर होगी, ठीक है, फर्दर इसे सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास x² तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, मतलब पहले आएगा a² मतलब 2x² फिर आएगा -2 × 2x × 3 + 3² है ना, a² - 2ab + b² का फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई हो गया और ये 2 तो एज इट इज, फर्दर सॉल्व करें तो स्टूडेंट ये बनेगा प्लस का 4x² - 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12x और +3² = 9 = 2, ठीक है स्टूडेंट, x² + 4x² ये बनता है 5x² - 12x एज इट इज, ये 2 प्लस हो रहा है वहां जाएगा, 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो +9 - 12 में डायरेक्टली यहाँ पे 7 पुट कर रहा हूँ, = 0, ठीक है, अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप चाहे तो मिडिल टर्म ब्रेक अप्लाई करें या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें, तो मैं दोनों से मैं करवा के देख बता देता हूँ इसको, ठीक है, अगर मिडिल टर्म ब्रेक होगी तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 5x² - 5x - 7x और +7 = 0, ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास कॉमन आएगा 5x, तो 5x मैंने कॉमन गेट किया तो बचेगा x - 1, यहाँ पे माइनस का 7 हम कॉमन गेट करें तो बचेगा x - 1, है ना, माइनस के साइन कॉमन आई है तो ये वाली साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, = 0, स्टूडेंट्स x - 1 × 5x - 7 = 0, ठीक है, नाउ आइदर और कर ले तो स्टूडेंट्स आइदर x - 1, बल्कि ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं है मुझे अब यहाँ पर, x - 1 = 0 और 5x - 7 = 0, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी +1 और यहाँ से x निकाले तो 5x = 7, मतलब x = 7/5, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो बात क्लियर हो चुकी होगी, यहाँ से हमें एक्स की दो वैल्यूज मिल गई है, ठीक है, अच्छा अगर कोई स्टूडेंट इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अप्लाई करना चाहे, सॉल्व करना चाहे तो कैसे करेगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है
इसमें ए बराबर है 5 के, बी बराबर -12 है और सी बराबर है 7 के। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो माइनस बी है तो माइनस के साइन एज इट इज, बी की जगह आ जाएगा माइनस का 12। फिर हमारे पास प्लस माइनस आएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर है मतलब -12 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की जगह स्टूडेंट्स 5 और सी की जगह 7 रख देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 5। तो स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब ये प्लस का 12, प्लस माइनस अंडर रूट -12 का स्क्वायर 144। -4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4 5 20, 27 140 आएगा, तो माइनस का 140 डिवाइडेड बाय 2 5 10। ठीक है, तो 12 प्लस माइनस, स्टूडेंट्स यहाँ पे रूट है और अंतर है 144 माइनस 140, तो दिस विल बी अंडर रूट 4 अपॉन 10। अब मेरे स्टूडेंट्स यहाँ से जानते हैं कि भाई 4 का रूट 2 होगा, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लेंगे, तो 12 प्लस 2 अपॉन 10 एंड 12 माइनस 2 अपॉन 10। तो 12 प्लस 2 स्टूडेंट्स ये बनेगा हमारे पास 14 अपॉन 10। सही है, तो 14 अपॉन 10 का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 2 के टेबल से कैंसिल आउट करें, 2 7 एंड 2 5 मतलब 7 अपॉन 5। यहाँ 12 माइनस 2 का मतलब 10, 10 अपॉन 10 मतलब यहाँ से हमें मिल जाएगा 1। तो देख ले यही वैल्यूज मिल रही है, 7 अपॉन 5 एंड 1। सिंपल, आपने यहाँ पर फिर क्या करना है, इन वैल्यूज को हमारे इक्वेशंस के अंदर पुट करना है। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे भाई, तो यहाँ पे मुझे इक्वेशन नंबर 3 अब ज्यादा आसान लग रही है ना, मुझे अरेंज नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट मैं एक्स की वैल्यू पुट करूंगा, मुझे वाई मिल सकता है, तो वाई इक्वल टू 2x-3 है ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x=1 इन इक्वेशन नंबर 3, तो y=2x-3, तो x की जगह 1 और ये -3, तो y=2-3, y बराबर आ जाएगा -1 के, है ना। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑर्डर पेयर पहले बना लें, तो ऑर्डर पेयर हमारे पास बनेगा x की जगह 1 और y की जगह -1। फिर आप क्या करेंगे भाई, फिर आप x की जगह x=7/5 रखेंगे इन इक्वेशन नंबर 3, तो y=2×7/5 -3, ये होगा 14/5 -3 है ना। तो यहाँ पे 3 के नीचे सिर्फ 1 है, डिनोमिनेटर सेम बनाने का तरीका, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, तो स्टूडेंट्स ये होगा 14/5 -15/5। डिनोमिनेटर सेम बन चुका है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को एक बार लिखें और 14-5 तो -1, तो ऑर्डर पेयर आपके पास आ गया 7/5 जो कि एक्स की वैल्यू थी और वाई की जगह -1/5, ये सेकेंड ऑर्डर पेयर आ गया। तो लास्ट में सिंपल आप सॉल्यूशन सेट बनाएंगे, सॉल्यूशन सेट में ऑर्डर पेयर्स आपने लिखने हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो 7/5, -1/5, सही है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी अगर मैं आप लोगों को बता दूं, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी तकरीबन सिमिलर ऐसा ही है। सही है, नंबर 2 में हमसे कह रहा है क्या है, 2x+y=4, ये है इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x²-2x+y²=0, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। कौन सी ज़्यादा इजी इक्वेशन लग रही है, 1 ज़्यादा इजी लग रही है भाई। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में आप वाई को अलग रखें, ठीक है, तो 2x वहाँ जाएगा, मतलब y=4-2x। सही है, इस बार माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाने की नीड नहीं है, इसी को इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे और इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दें। तो पुट वाई इन, या वाई नहीं, इक्वेशन 3 लिख ले ज़्यादा बेहतर है, जो पहले हमने किया था, इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। सही है, तो x² एज इट इज, माइनस का 2x भी एज इट इज, प्लस y² है, तो y² की जगह आ जाएगा 4-2x का होल स्क्वायर,
इक्वल्स टू जीरो। सही है स्टूडेंट्स, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एज इट इज होगा, तो यहाँ पे ए मतलब फोर है, तो फोर का स्क्वायर माइनस टू इंटू फोर इंटू टू एक्स और प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 16 माइनस टू फोर ज़ा एट, एट टू ज़ा 16 एक्स और प्लस फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। स्टूडेंट्स लाइक टर्म्स को एड सब्ट्रैक्ट कर ले, तो एक्स स्क्वायर और फोर एक्स स्क्वायर ये बनेंगे 5x², माइनस का 2x माइनस 16x बनेगा माइनस का 18x और ये प्लस का 16 एज इट इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम एक्स की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल है इसकी वैल्यूज निकालना। 5 मल्टीप्लाई मिडिल टर्म ब्रेक से, सॉरी, तो 5 मल्टीप्लाई 16 ये हमारे पास हो जाएगा 80, है ना। तो 10 और 8 से हो रहा है ये, तो 5x² माइनस 10x माइनस 8x प्लस का 16 इज इक्वल टू जीरो। सही है स्टूडेंट्स, इन दो में कॉमन और इन दो में कॉमन। ठीक है, यहाँ से 5x कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 2, यहाँ से माइनस का 8 कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस टू को फर्दर कॉमन गेट करें और यहाँ पे भी लिख देंगे 5x - 8 इज इक्वल टू जीरो। तो भाई आइदर और, आइदर एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो और 5x - 8 इक्वल टू जीरो। अब इसका क्वाड्रेटिक तरीका जो है वो आप लोग फाइंड आउट करेंगे, मैं सिर्फ इसका मिडिल टर्म ब्रेक ही आप लोगों को करवा रहा हूँ यहाँ पे, अब क्योंकि ऊपर मैं करवा चुका हूँ इसका। ठीक है, तो एक्स माइनस टू है तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू टू, यहाँ से 5x = 8 मतलब एक्स विल बी इक्वल टू 8/5। तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई, इन दोनों को उठा के इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। पुट x = 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या थी भाई हमारे पास, y = 4 - 2x। तो x की जगह यहाँ पे हमें पहले तो 2 रखना है, तो y = 4 - 2 × 2 मतलब 4 - 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 0। सही है, फिर आप क्या रखेंगे, फिर x की जगह 8/5 रख के देखें। ठीक है, तो y = 4 - 2 × 8/5, तो स्टूडेंट्स ये होगा 4 - 16/5। डिनोमिनेटर सेम बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 5 इसलिए जगह छोड़ दी थी मैंने थोड़ी। 4 5 20 - 16, डिनोमिनेटर एक बार लिख लें, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 4/5। सही, तो भाई लास्ट में आप सॉल्यूशन सेट बना लेंगे सिंपल। सॉल्यूशन सेट में पहला ऑर्डर पेयर क्या आएगा स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 2 थी, और वाई 0 था, ये पहला ऑर्डर पेयर बन गया। दूसरे ऑर्डर पेयर के अंदर एक्स की वैल्यू है 8/5 और वाई है 4/5, तो ये सेकेंड ऑर्डर पेयर आ जाएगा हमारे पास, एंड दिस विल बी आर फाइनल आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं भाई हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। सही है, तो ये सारा मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है 4/x + 3/y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 4x + 3y इज इक्वल्स टू 25। इक्वेशन नंबर 2 अगेन आप लोगों को, अब यहाँ पे इक्वेशन 1 इजी नहीं है, इक्वेशन 2 इजी लग रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 4x + 3y = 25, मैं एक्स को यहाँ पे ही रख रहा हूँ, 3y को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो 25 - 3y। एक्स को बिल्कुल ही अलग करना है तो 4 को भी वहाँ लेके जाना पड़ेगा, तो 25 - 3y/4, और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। इसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सही है, तो पुट इक्वेशन 3 इन 1। स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या आती है, 4/x मतलब 4 डिवाइडेड बाय है, तो मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय इस तरीके से लिख रहा हूँ, 4 डिवाइडेड बाय एक्स की जगह क्या आ जाएगा भाई, 25 - 3y/4।
ठीक है, फ्रैक्शन आता है ना भाई, तो फ्रैक्शन को हटा के मैंने यहाँ पे डिवीजन का सिंबल यूज कर लिया। फिर है हमारे पास क्या है भाई, प्लस का 3 अपॉन y, सही है, इज इक्वल्स टू 2। इसमें डिवाइड को हटाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन आएगी, मतलब मल्टीप्लाई पर 4 अपॉन 25 माइनस 3 y, और ये प्लस का 3 अपॉन y इज इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई करें तो 16 अपॉन 25 माइनस 3 y, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास प्लस का 3 अपॉन y इक्वल टू 2। उसमें अब यहाँ पे एलसीएम लेना थोड़ा कमाल का काम होगा हमारे लिए, सही है। देखिए यहाँ 25 माइनस 3 y है, यहाँ पे सिर्फ y है, मतलब यहाँ हमें y मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ 25 माइनस 3 y, जो वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई है उसको यहाँ पर, जो वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई है उसको ऊपर, तो ये हो जाएगा 16 y प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 25 माइनस 3 y डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर सेम हो चुका है तो y इंटू 25 माइनस 3 y इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस स्टेप को थोड़ा 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना सेशन, तो 2-3 बार इसको रिपीट करके लास्ट भी देखना, सही तरीका वही है हमारा जो एलसीएम लेने का तरीका मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूँ। फर्दर इसको सॉल्व करें तो स्टूडेंट 16 y प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा 325 75 माइनस 3 3 9, तो 9 y, ये y इंटू जो भी है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 y इंटू 25 माइनस 3 y। ठीक है, फर्दर 16 y माइनस 9 y, तो ये बनता है हमारे पास 7 y प्लस 75 इक्वल्स टू 2 y को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 225 50 50 y माइनस 2 3 6 y स्क्वायर, सारी वैल्यूज को इस तरफ लेकर आ जाओ। सबसे पहले मैं 6 y² लिख रहा हूँ, फिर माइनस का 50 y, प्लस का 7 y जो पहले से वही था, और 75 भी पहले से यहीं पर था। ठीक है, तो 6 y² माइनस 43 y और प्लस 75 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये बड़ी वैल्यूज हैं, तो इसके लिए मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए आपको काफ़ी सोचना पड़ेगा, तो इससे बेहतर ये है कि आप क्या करें, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लें, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी की जगह स्टूडेंट्स, ये बी की जगह हमारे पास माइनस का 43 है, ए की जगह है 6 और सी की जगह है हमारे पास 75, तो माइनस बी की जगह -43 प्लस माइनस अंडर रूट 43 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 6। ठीक है, तो माइनस माइनस ये प्लस होगा, प्लस का 43 प्लस माइनस अंडर रूट, स्टूडेंट्स 43 का स्क्वायर कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा क्या आ रहा है। वन एट 49 माइनस, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें अगर 1800 है ये, सही। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 6 12। फर्दर देखें यहाँ पे तो 1849 माइनस 1800 तो 49 बचेगा, और 49 का रूट में डायरेक्टली मैं देखता हूँ 7 आता है, तो 43 प्लस 7 अपॉन 12 और 43 माइनस 7 अपॉन 12, तो 43 प्लस 7 स्टूडेंट्स ये हमारे पास होगा 50 अपॉन 12। ठीक है, 2 के टेबल से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 25 एंड 2 6, तो 25/6, सही है। और यहाँ पे हमारे पास 43 माइनस 7 ये आ जाएगा आपके पास 36 अपॉन 12, मतलब 12 1 एंड 12 3 36 डायरेक्टली हो रहा है, तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई 25/6। अच्छा एक्स की नहीं, ये वाई की वैल्यूज है, सॉरी मुझे वही कंफर्म करना था, ये वाई की वैल्यूज है। अब इनको उठा के हमें इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, तो पुट वाई इक्वल्स टू 25/6 इन इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 3 भाई आपके पास क्या बनी थी, जरा देख कर आते हैं भाई हम ऊपर से। हाँ
एक्स इक्वल्स टू 25 माइनस, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है, हम यहाँ पे पेस्ट कर दें। सही है, तो भाई एक्स की, एक्स तो अपनी जगह पे रहा, 25 माइनस 3 y है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा 3 × y की जगह 25/6 और डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो दिस विल बी 25 माइनस 3 1s, 3 2s, तो 25/2 और डिवाइडेड बाय 4। सही है, फर्दर इसको सॉल्व करें तो 25, यहाँ पे देखो एलसीएम गेट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 225 50 माइनस 25 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम 2 आएगा, और ये डिवाइडेड बाय 4 है, तो क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये होगा 25/2, डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 1/4, मतलब आपके पास एक्स की एक वैल्यू आ रही है 25/8। सही है, सेकेंड वैल्यू के लिए हमें 3 पुट करना है, तो वो तो ईजी है, आराम से पुट हो जाएगा, है ना। वाई इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3, तो ये होगा एक्स इक्वल टू 25 माइनस 3 × 3 डिवाइडेड बाय 4, 25 माइनस 9/4, तो 16/4, मतलब ये आपके पास सिंपल 4 आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट लास्ट में बना लें। सबसे पहले हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या थी भाई, 25/6 थी, और उस पर वाई सॉरी एक्स की वैल्यू ये आएगी 8 आएगी, है ना, ये एक्स है, और वाई कितना था, 25/6 था, ठीक है। सिमिलरली एक्स यहाँ पे हमारे पास 4 आया था और वाई हमने 3 रखा था, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन के आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे, सही है, वाई 3 है और एक्स 4 है, ठीक हो गया। तो ये इसके क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। फर्दर आपके पास नेक्स्ट, आपने मुझे कहा था 11 वाला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 11 ज़रा देखिएगा, ठीक है। बुक आपके पास ओपन है, सही है। द लेंथ ऑफ अ प्रेयर हॉल इज 5 मीटर्स मोर देन इट्स विथ, जो लेंथ है प्रेयर हॉल की, ठीक है, वो 5 मीटर ज्यादा है उसकी विथ से, सही है। सपोज कर लेते प्रेयर हॉल आपके पास एक रेक्टेंगुलर है इस तरीके से, इसको मैं विथ मान रहा हूँ, और ये हमारे पास है लेंथ, तो ये क्या कह रहा है कि लेंथ किसके बराबर है, 5 + विथ के, सही है। और विथ कितनी वो हमें यहाँ पे बताया नहीं है। इफ द एरिया ऑफ द हॉल इज 36 मीटर स्क्वायर, मतलब ये पूरा एरिया जो है वो कितना है, 36 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है फाइंड द लेंथ एंड विथ ऑफ हॉल, ठीक है, आपको लेंथ और विथ यहाँ पे कैलकुलेट करके लानी है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट डब्ल्यू बी द विथ ऑफ द हॉल, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है उसको कंसिडर किया जाता है, याद रखिएगा, उसको लेट करेंगे। ये लेंथ तो इंडिपेंडेंट नहीं है, ये लेंथ डिपेंड कर रही है विथ पे, मतलब विथ रखोगे तो आपको लेंथ मिलेगी, सही है। और तो विथ क्या हो गई, विथ इंडिपेंडेंट हो गई है, किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको लेट किया, सही है। अब इसको लेट करने के बाद हम क्या कहेंगे कि देयरफोर लेंथ, ठीक है, लेंथ को हम एल से डिनोट कर सकते हैं, एल जो है वो बराबर हो जाएगा 5 + विथ, और विथ को हमने क्या कंसिडर किया है, डब्ल्यू, तो 5 + डब्ल्यू, क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स। एरिया की बात अगर हम करें तो हमें मालूम है कि एरिया ऑफ एनी रेक्टेंगुलर वो बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ के। एरिया की वैल्यू है आपके पास 36, लेंथ आपके पास है 5 + डब्ल्यू, और डब्ल्यू तो डब्ल्यू के ही बराबर है ना, मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो 5 + डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, तो ये होगा 5W + W² और यहाँ पे है 36, 36 को वहाँ शिफ्ट करें तो 0 = 5W + W² + सॉरी -36, सही है। अरेंज कर लें इसको, तो डब्ल्यू स्क्वायर पहले, 5W बाद में, माइनस का 36 बाद में, सही है, और इक्वल्स टू 0 यहाँ रखे या रखे बात एक ही है, सही है। फर्दर अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, या तो मिडल टर्म ब्रेक या फिर आप
जो है इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक कर रहा हूँ, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 9W माइनस 4W माइनस 36 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इन दो में कॉमन गेट करें तो यहाँ पे डब्ल्यू कॉमन तो बचेगा डब्ल्यू प्लस 9, यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन तो बचेगा डब्ल्यू प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो डब्ल्यू प्लस 9 और यहाँ पे बचेगा डब्ल्यू माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ काम कर ले फर्दर, तो भाई आइदर डब्ल्यू प्लस 9 इक्वल टू 0 और डब्ल्यू माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से हमें डब्ल्यू बराबर मिलेगा माइनस 9 मीटर्स के और यहाँ से मिल जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू 4 मीटर्स के। तो भाई यहाँ पे कौन सी वैल्यू को हम कंसिडर करें? ऑब्वियसली हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे क्योंकि डब्ल्यू एक विथ है, एक तरह की लेंथ है, ये है ना डिस्टेंस है, और हम जानते हैं डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंसिडर वाली वैल्यू है वो 4 मीटर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कंसिडरिंग डब्ल्यू इक्वल्स टू 4 मीटर्स, तो लेंथ किसके बराबर हो जाएगी? एल बराबर हो जाएगा 5 प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 रख दिया, 5 प्लस 4 9, तो 9 मीटर्स हमारे पास लेंथ आ गई इसकी। सही है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो बात आई गेस क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो ये सारा मैंने यहाँ से रिमूव किया, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स। दो पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनको तो हम स्क्वायर कर रहे हैं और उनका फिर सम लिया जा रहा है, तो आंसर 100 आ रहा है। सही है, और हमसे कह रहा है कि वन नंबर इज टू मोर देन द अदर, एक नंबर जो है वो दूसरे के क्या है, दो ज्यादा है ना। इस कंडीशन पे जरा गौर करना है, वन नंबर इज टू मोर देन द अदर। सही है, तो यहाँ पे आप लेट करेंगे, लेट एक्स बी द फर्स्ट नंबर। सही है, अगर एक्स पहला नंबर है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो भाई सेकंड नंबर हमारे पास हो जाएगा, सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू टू मोर देन दी अदर, मतलब ये एक्स है तो दूसरा वाला हो जाएगा एक्स प्लस टू। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है? सही है, तो ये एक्स प्लस टू मेरे पास सेकंड नंबर है और एक्स मेरे पास पहला नंबर है। अब कंडीशन के मुताबिक काम करो, तो पहले कंडीशन हमसे कह रहा था कि भाई इन दोनों के स्क्वायर का सम, मतलब एक्स का स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ये बराबर आ रहा है 100 के, तो बताओ ये दोनों नंबर्स हैं क्या? तो भाई सिंपल, इसको अब एक्सपेंड करना है हमने, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एक्स टाइम्स टू प्लस टू का स्क्वायर। सही है, इज इक्वल टू 100। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्टूडेंट्स मैं डायरेक्टली इसको 2x² लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 4x, ये आएगा प्लस का 4 और ये 100 प्लस हो रहा है, वहां जाएगा माइनस तो माइनस का 100। अच्छा मैंने डायरेक्टली मैंने लिख दिया इज इक्वल टू 0, तो 2x² प्लस 4x और यहाँ पे माइनस का 96 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉल्व करने से पहले देखें, यहाँ पे कुछ कॉमन आ सकता है, 2 को हम कॉमन गेट कर सकते हैं, तो x² प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लायर है वहाँ जाएगा डिवाइड, तो x² प्लस 2x माइनस 48 इक्वल टू 0। मैं मिडिल टर्म ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ, आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस पे। सही है, तो x² प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8x माइनस 6x माइनस 48 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दो में कॉमन गेट करें तो एक्स कॉमन, एक्स प्लस 8 बचेगा, माइनस का 6 कॉमन तो एक्स प्लस 8 बचा इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ से हमें एक्स प्लस 8 फर्दर कॉमन मिला और बच गया एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक हमारे पास वैल्यू आ रही है एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0 और एक आ रही है एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से मिल जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस 8, यहाँ से मिलेगा एक्स इक्वल टू 6। तो कौन सा कंसिडर करेंगे भाई यहाँ पे? स्टूडेंट हमें ऊपर कह रहा था कि फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स, है ना, दो पॉजिटिव नंबर है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, मतलब हमारे नंबर पॉजिटिव हैं, तो ये नेगेटिव वाला हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लाइन लिखेंगे कंसिडरिंग
एक्स इक्वल्स टू 6, तो सेकंड नंबर आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2, मतलब 8 के बराबर। ठीक है, और देखें इन दोनों का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, इन दोनों का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64, तो इन दोनों के स्क्वायर को सम करें तो ये 100 के ही बराबर होगा। इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हो अपने आंसर्स को। सही है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई मसला? ठीक है, इसका अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हैं हम, ठीक है, ताकि मजीद इसके अंदर सारे डाउट्स क्लियर हो जाए आपको। नंबर 15 में कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 5, दो नंबर्स है उनका डिफरेंस 5 है, एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 275, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने सपोज करना है लेट द फर्स्ट नंबर इज एक्स एंड द सेकेंड नंबर इज वाई। सही है, तो भाई एक्स और वाई का डिफरेंस निकालें, तो एक्स माइनस वाई ये आएगा 5, और फिर कह रहे हैं इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंस, ये आएगा हमारे पास 275। हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो वही इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ज़्यादा इजी है, तो एक्स बराबर 5 प्लस वाई। ठीक है, नाम दे दो इसको इक्वेशन 3 का, और इसमें पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, पुट 3 इन 2, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर है मतलब 5 प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 275। स्टूडेंट्स 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू y प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 275। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो गया है ना। अच्छा जी, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा फिर? 5 का स्क्वायर 25, और +2 5 10, 10 टाइम्स y इज इक्वल टू 275। 25 प्लस हो रहा है वहाँ जाएगा माइनस, मतलब 10 y इक्वल टू 275 -25, तो 10 y इक्वल टू 275 -25। स्टूडेंट्स ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? 250, तो y बराबर 250/10, 0 से 0 कैंसिल, तो y बराबर 25 के, और हमें दूसरी वैल्यू यहाँ पे x की चाहिए, तो पुट इन 3, तो x बराबर 5 प्लस y, y की जगह 25, तो यहाँ पे रख देंगे भाई 5 प्लस 25 मतलब 30, तो हमें x और y की वैल्यूज मिल गई। चेक करके देखें भाई, तो x माइनस y मतलब 30 माइनस 25, तो ये बराबर आता है वाकई 5 के, और इनका स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, ये बराबर आना चाहिए 275 के। 30 का स्क्वायर 900 माइनस 25 का स्क्वायर स्टूडेंट 625 होता है, तो देखिए माइनस करेंगे तो 275 मिल जाएगा, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर। सही है, तो यहाँ तक आई गेस क्लियर होगा सारे स्टूडेंट्स को। ठीक है,